नमस्कार, बड़ी बात में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ज्योति सांगवान। हरियाणा में कंप्यूटर प्रोफेशनल्स की अलग अलग मांगों को लेकर राज्य भर में हड़ताल जारी है, जिसके चलते पूरे ही हरियाणा में अव्यवस्था का माहौल बना है और अनिश्चितकालीन जो हड़ताल चल रही है, इसके चलते आमजन को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तो पूरे ही राज्य के कंप्यूटर प्रोफेशनल्स पंचकुला में अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। सरकार के खिलाफ नारेबाजी की गई, सरकार पर वादा खिलाफी के आरोप भी लगाए गए हैं कि आश्वासन दिया गया लेकिन मांगे सुनी नहीं गई। एक बार फिर से बैठक रखी है और एक बार फिर से ही ये बैठक बेनतीजा रखी है। प्रदेश भर के कंप्यूटर ऑपरेटर पिछले एक सप्ताह से हड़ताल पर चल रहे हैं, इससे प्रशासनिक कामकाज पूरी तरह से बाधित है। प्रदर्शनकारी कंप्यूटर ऑपरेटरों ने बताया कि ऑपरेटर 8 से 10 सालों से ई दिशा केंद्रों और अलग अलग विभागों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, फिलहाल नियमित करने की मांग पर बने हुए हैं। दरअसल पिछले साल भी इन्होंने हड़ताल की तो सरकार ने उनकी मांगों को पूरा करने का आश्वासन दिया था, इसके बावजूद उनकी मांगों की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया गया। कंप्यूटर प्रोफेशनल का पक्ष है कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं की जाएंगी आंदोलन जारी रहेगा। आज प्रदेश के जो कंप्यूटर लैब टेंडर का सिस्टम यहाँ पहुंचा था वो शिक्षा निदेशक के कार्यालय में पहुंचा था। इसके साथ साथ जो OSD अमरिंदर सिंह और श्री वीरेंद्र चौहान जी यहाँ मीटिंग के अंदर उपस्थित थे, उसमें मुख्य उद्देश्य यही था कि जो 20 दिसंबर 2017 को माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो फैसला लिया था वो अधिकारियों की मौजूदगी में उस फैसले को लागू किया जाए। उस फैसले में क्या हुआ था कि जो के खंडेलवाल जी भी उसके अंदर शामिल थे, उसमें कहा गया था जो प्रदेश के कंप्यूटर लैब अटेंडेंट हैं उनको स्किल्ड वेतन दिया जाए जो 11,429 रुपये बनता है, लेकिन विडम्बना की बात। तो कंप्यूटर प्रोफेशनल्स जो हैं पूरे ही हरियाणा के वो हड़ताल पर हैं, लामबंद हो चुके हैं पूरी तरह से। सरकार के खिलाफ नारेबाजी की गई है जिसमें कई मांगें हैं बड़ी जिनको सरकार पूरा करे, सरकार पर दबाव बनाए जाने की कोशिशें की जा रही हैं। लेकिन दूसरा जो पहलू है वो ये है कि आम जनता को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सरकार कब तक ये मांगें सुनेगी, कब तक सहमति बनेगी और परेशान हो जाना आम जनता का इस तरह से हड़ताल करना, ये कितना जायज है, ये कितना सही है, इसको लेकर चर्चा करेंगे कुछ खास मेहमानों के साथ। हरियाणा कांग्रेस से प्रवक्ता हमारे साथ केवल ढिंगरा जी हैं, साथ ही इनेलो से प्रवक्ता हमारे साथ प्रवीण अत्री जी हैं स्टूडियो में उपस्थित, साथ ही वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ राजेंद्र जाधून जी हैं कंप्यूटर प्रोफेशनल्स का पक्ष रखने के लिए, हवा सिंह जी भी हमारे साथ हैं, साथ ही जगमोहन विर्क हैं हमारे साथ कंप्यूटर प्रोफेशनल्स का ही आप पक्ष रखेंगे, साथ ही विजय सिंह हैं हमारे साथ, बहुत स्वागत है सभी का। हालांकि कोशिशें हमने की थी हरियाणा बीजेपी से हमारे साथ रखी प्रवक्ता, लेकिन वो इस विषय पर नहीं आए थे तो सरकार का पक्ष नहीं जाना जाएगा। लेकिन जो हड़ताल की जा रही है वो कितनी जायज है और विपक्ष को क्या लगता है इस हड़ताल को देखकर कि सरकार कितनी सखी है, साथ ही जो जिस तरह से प्रदर्शन किया जा रहा है क्या उसका कोई विकल्प हो सकता है कि कामकाज ठप ना हो। शुरुआत करेंगे अत्री साहब आपसे, क्या लगता है जिस तरह से हड़ताल ये की जा रही है, अनिश्चितकालीन हड़ताल की जाएगी, आम जनता पूरी तरह से परेशान है, क्या सखी है इस तरह से हड़ताल किया जाना विपक्षी पार्टी के तौर पर, क्या कहेंगे? देखिए, पहली चीज तो ये है कि हड़ताल को किसी भी तरह से सही नहीं ठहराया जा सकता, लेकिन सरकार इस तरह के हालात पैदा कर रही है और ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है जी। आप अगर शुरू से देखेंगे जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार सत्ता में आई है, चाहे गेस्ट टीचर्स की बात करें, चाहे आशा वर्कर्स की बात करें, आंगनबाड़ी वर्कर्स की बात करें, लैब असिस्टेंट की बात करें, अब कंप्यूटर ऑपरेटर्स की बात, मतलब हर कर्मचारी जो है वो हड़ताल करने पर मजबूर है, क्योंकि जिन मांगों के लिए वो सरकार के पास जाते हैं सरकार बजाय उनकी मांगों को सुने, उस पे विचार करे और कोई ना कोई हल निकाले, ऐसा सरकार की तरफ से नहीं होता। होता क्या है? वायदा, और वायदा पूरा नहीं होता। आप देखेंगे अपने चुनावी घोषणा पत्र में भारतीय जनता पार्टी ने एक वायदा किया था और वो वायदा था कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने का, वायदा था ठेके प्रथा को खत्म करने का, लेकिन सत्ता में आने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने उस वायदे को तो पूरा नहीं किया, उल्टा जो चीजों को वो खत्म करने की बात कर रहे थे, जैसे ठेके प्रथा खत्म करने की बात कर रहे थे, उन्होंने ठेकेदारी प्रथा को बढ़ावा देना शुरू कर दिया। कोशिश उनकी शुरू हो गई कि किसी भी तरह से अपने चहेतों को संतुष्ट और खुश करने के लिए आउटसोर्स से कर्मचारियों को भर्ती करने की प्रथा को उन्होंने बढ़ावा देना शुरू किया। और अब एक चीज और देखिए,
बड़ी हैरानी इस बात की होती है, जब लैब असिस्टेंट स्ट्राइक कर रहे थे, सरकार की तरफ से नुमाइंदा जाता है, उनको जूस का गिलास पिलाता है, कुछ बातें करता है, लेकिन चार दिन बाद पता लगता है कि वो वायदे झूठे निकले। आपने देखा होगा जिस वक्त लेक्चरर्स की स्ट्राइक हुई थी, उस वक्त सरकार के नुमाइंदे ने, खुद रामलीला शर्मा जी ने, मैंने आपके चैनल पे देखा था, वहां पे रामलीला शर्मा जी कह रहे थे कि हमने मांगे मान ली, पीछे से लेक्चरर कह रहे थे साहब कोई मांग नहीं मानी। तो इस तरह का अगर वायदा खिलाफी और इस तरह की शब्दों की बाजीगरी अगर सरकारी पक्ष की तरफ से होगी तो स्वाभाविक के कर्मचारियों के पास रास्ता ही एक बचता है कि वो सड़क पे आके बैठ जाए। और यहां कहीं ना कहीं एक चीज और स्पष्ट देखेंगे आप कि सरकार की नियत और नीति दोनों का अभाव है। ना तो सरकार की नियत है कि किसी भी तरह से इस तरह के हालात पैदा ना हो, और सरकार की नियत के साथ साथ कोई नीति भी नहीं है सरकार के पास कि इस तरह के हालात से बचा जा सके। और होता क्या है, इससे प्रदेश की जनता परेशान है, कर्मचारी खुद परेशान है, और हालात ये हो रहे हैं जैसे कि अब ये कंप्यूटर ऑपरेटर्स, इनके स्ट्राइक होने का मतलब है कि रेवेन्यू लॉस। और रेवेन्यू लॉस का तो मुझे लगता है कि वर्तमान सरकार को शायद कोई चिंता है नहीं, क्योंकि आप देखेंगे मुख्यमंत्री जी अपने ओएसडी की एक फौज खड़ी करते हैं और उस फौज की सैलरी बढ़ाने का प्रस्ताव आपने देखा, तीन दिन पहले ही उसकी तनख्वाह बढ़ाई जाती है, जो बिना किसी पॉलिसी के अपॉइंट किए हुए हैं, पिक एंड चूज करके अपॉइंट किए हुए हैं। उनकी सैलरी लाखों रुपए आप बढ़ा सकते हो, प्रदेश की जनता के खून से गाड़ी कमाई में खर्च कर सकते हो। हरियाणा में करीब करीब 15 करोड़ का नुकसान हो चुका है, अत्रे साहब कितना सखी है फिर इस तरह से हड़ताल किया जाना, आमजन को परेशान किया जाना। देखिए वही मैंने कहा स्वाभाविक है, क्योंकि जब आप अपने कर्मचारियों को संतुष्ट नहीं कर पा रहे हो, सरकार का काम होता है, ये एडमिनिस्ट्रेटिव काम है, कि आप अपने कर्मचारियों से सही ढंग से काम ले सके, उनको संतुष्ट रख सके। कर्मचारी संतुष्ट नहीं है, ढिंगरा साहब कमेंट आप। देखिए ये किसी भी कर्मचारी को, किसी भी किसान को, बिजनेसमैन को, किसी भी लोगों को ये सरकार 3.5 साल के अंदर संतुष्ट नहीं कर पाई, क्योंकि आप ये देखिए कि जितना जितनी पॉलिसीज हमारे टाइम पे बनी हुई थी उन पॉलिसीज को निरस्त करने का काम किया हमने, जो कंट्रेक्चुअल भी लोग लिए थे उस समय उनको भी हमने एक पॉलिसी बनाई थी जिसमें हमने कई कई लोगों को पक्का करने का काम भी शुरू कर दिया था, जिसमें कुछ लोग एक्साइज डिपार्टमेंट के, कुछ अदर डिपार्टमेंट्स के हमने पक्के भी कर दिए थे। तो ये पॉलिसीज को बीजेपी सरकार ने आते ही निरस्त कर दिया, जिससे वो सारे के सारे कर्मचारी जो हैं वो पक्के नहीं हो पाए। अगर उनको देखिए जिस समय सरकार, हमारी सरकार आई थी उस समय बहुत ज्यादा जरूरत थी हरियाणा के अंदर जो है लोगों को लगाने की, क्योंकि बहुत सारी मांग थी। हमने करीबन 1.5 लाख भर्ती की पक्की, और उसके बाद जो हमने कंट्रेक्चुअल्स भर्ती की, क्योंकि और भी जरूरत थी, हमने जो कंट्रेक्चुअल भर्ती की उसमें हमने कई सारे लोग लगाए, क्योंकि इतनी भर्ती करने में अगर आप कोई 200 आदमियों की भर्ती करते हैं, आपके समय की कितनी मांगे, कितने कर्मचारियों में लंबित हैं, कितने लोग सड़कों पर हैं, जो कि आपकी सरकार के वक्त भी रहते थे, वो बीजेपी सरकार से ही शुरुआत नहीं हुई, इतना मानते हैं आप और जानते भी हैं। नहीं, जिस तरह से इनकी बात है, ये तो 2001 के एम्प्लॉइज है, 2001 से इनको इनका प्रोसेस शुरू हुआ था, तो 2001 से 18 साल हो गए कई लोगों को काम करते। लेकिन मैं एक मिनट ज्योति, एक बात बताना चाह रहा हूँ, इसमें चाहे वो कंट्रेक्चुअल किसी भी समय में लगे हो, चाहे INLD के सरकार के समय लगे हो, चाहे कांग्रेस सरकार के, ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस है। अगर कोई लग गया तो उसमें आप पॉलिसी बनाइए, क्योंकि सरकार का काम है, उस पॉलिसी में उनको पक्का कीजिए। अगर वो आपसे एक बार कंट्रेक्चुअल लग गया तो उसको पक्का करने का भी तो सरकार का ही काम है ना, वो और आदमी तो आएगा नहीं उनको पक्का करने। तो जब हमने पॉलिसी बनाई थी उस पॉलिसी को निरस्त करने का काम इस सरकार ने किया। जहां तक हमने 1.5 लाख पक्के कर्मचारी भर्ती किए और कंट्रेक्चुअल भी किए, क्योंकि इसमें एक बहुत बड़ा इशू है, अगर आप थोड़ी सी भी भर्ती करना चाहे तो उसके लिए 2-2 लाख आदमी अप्लाई करते हैं, अगर 200 आदमियों की भर्ती हो तो 2 लाख लोग अप्लाई करते हैं, उसके लिए मापदंड होते हैं, टेस्ट पास करने पड़ते हैं, तो 2 लाख का ही टेस्ट पास करना पड़ता है, तो कई टाइम ऐसा लग जाता है जितने में वो भर्ती नहीं हो पाती। अच्छा, कुछ लोग ऐसे होते हैं बीच में जो कोर्ट चले जाते हैं, तो उसमें मामला प्रोसेस जो है वो डिले हो जाता है। तो इसमें क्या होता है कि अगर आपने कंट्रेक्चुअल एक बार लगा लिए और वो एजेंसी के थ्रू लग गए, चाहे किसी भी थ्रू लग गए, तो जब हमने एक पॉलिसी बनाई थी कि उनको इस पॉलिसी के तहत पक्का कर दिया जाए, तो वो लोग पक्के करने चाहिए थे, इन्होंने उस पॉलिसी को तोड़ने का काम किया, जिससे ये सभी लोग सड़कों के ऊपर आज जमा है। पहली चीज जो मैंने एक बात कही थी नियत की, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। 1999 के अंदर जिस वक्त इंडियन नेशनल लोकदल की सरकार आई थी, चुनाव के अंदर हमने एक वायदा किया था कि हम कच्चे कर्मचारियों को पक्का करेंगे। आप रिकॉर्ड उठा के देखिए, जो हमसे पहले की सरकारों ने भी कर्मचारी भर्ती किए थे, जो कच्चे थे उनको हमने पक्का करने का काम किया। वर्तमान सरकार क्या कहती है, आज मैं डिबेट एक चैनल पे, शायद आपके चैनल भी था फोनों पे, तो सरकार की तरफ से जो प्रवक्ता थे वो ये कह रहे थे कि साहब पिछली सरकार ने लगाए थे। भाई साहब, आपका काम ये है कि आपने वायदा किया था तो आप उसको पक्का। एक चीज और है,
ढिंगरा जी को शायद फिगर में थोड़ी कंफ्यूजन हुआ है। ढिंगरा जी ने भी एक बात बोली कि हमने 1.5 लाख कर्मचारी पक्के लगाए थे। पौने 4 लाख टोटल हरियाणा सरकार के कर्मचारी हैं जो अप्रूव्ड पोस्ट हैं, और इस वक्त वर्तमान के अंदर सरकार के अंदर जो काम कर रहे हैं 1,35,000 कर्मचारियों की कमी है, जो पोस्टें खाली पड़ी हैं। तो सीधी सी बात यह है कि इस वक्त 2,40,000 मैं बता रहा हूँ जी, रुकिए ढिंगरा जी, 2,40,000 कर्मचारी वर्तमान में काम कर रहे हैं जो फिगर बताती है। मुझे आज भी याद है कि एक मैं चर्चा में था, कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा जी कि हमने 75,000 कर्मचारी लगाए 10 साल में, आपको याद होगा जिस पर रामविलास शर्मा जी ने जब गेस्ट टीचर से जाके वायदा किया था कि हम आपको पहली कलम से पक्का करेंगे, वो समय था जब अभी चुनाव आने थे। इसका मतलब क्या था कि गेस्ट टीचर हड़ताल पे कब बैठे थे, जब कांग्रेस की सरकार थी। तो इसका ये हुआ कि कांग्रेस की सरकार ने भी उनके साथ वायदा खिलाफी की थी, तभी वो धरने पे बैठे। जाहिर तौर पर बहुत सारे लोग थे ऐसे, मैंने खुद भी कहा कि जो पहले से सड़कों पर थे, कांग्रेस सरकार के दौरान भी सड़कों पर थे, अभी तक उनकी मांगे नहीं सुनी गई है। हवा सिंह जी, क्या परेशानियां हैं आप लोगों को और मांगे क्या? एक तो मैं पहले ये बताना चाहता हूँ कि 27 जो भाजपा सरकार है वो इस बात से बिल्कुल भी भाग नहीं सकती अपनी नैतिक जिम्मेवारियों से, ये कह के भी ये पिछली सरकार के हैं। कर्मचारी किसी भी पार्टी का नहीं होता, कर्मचारी सभी सरकारों के होते हैं, चाहे उसमें से कांग्रेस हो चाहे भाजपा हो चाहे इनेलो हो। आप इसकी ये कह के बिल्कुल नकार नहीं सकते कि भी ये तो पिछली सरकार के हैं। तो जो सरकार सत्ता में होती है उसकी नैतिक जिम्मेवारी है कि जो कर्मचारी आंदोलनरत है उनकी मांगों को पूरा करें, उनकी समस्याओं का समाधान करें। और रही बात कंप्यूटर प्रोफेशनल संघ हरियाणा के आंदोलन की, हम पिछले 7 जनवरी को भी ओएसडी साहब करनाल के वहाँ ज्ञापन देने गए थे, लेकिन वो ज्ञापन लेने की बजाय वहाँ लाठीचार्ज और वाटर कैनन का प्रयोग हुआ और हमारी मांगों को दबाने का काम किया, जिसमें 9 लोगों के खिलाफ मुकदमे दर्ज किए। उसके बाद भी हमने पिछली 2 तारीख से निरंतर सरकार को ज्ञापन पे ज्ञापन और मांग पत्र जिला प्रशासन के अनेक अधिकारियों के माध्यम से भेजे। हम भी नहीं चाहते कि हड़ताल हो, आम जनता परेशान हो, लेकिन जब सुनवाई ही नहीं होगी तो फिर कर्मचारी क्या करेगा? और हम अपनी मांगों को लेकर आज हड़ताल पे हैं। तो हमारी यही मांग है सरकार से कि जो हमारी कंप्यूटर प्रोफेशनल की मांग है उनको जल्दी से जल्दी पूरा किया जाए। मैंने मांगे पूछी, हालांकि अभी इसी सरकार के दौरान की सारी मांगे हैं, ये भी संभव नहीं, पिछली सरकारों के दौरान भी आप लोगों की ओर से हड़तालें की गई होंगी इन्हीं मांगों को पिछली सरकार में भी। पहले तो मैं प्रधान जी के साथ इस बात पे पूर्ण सहमत हूँ, जो कर्मचारी है वो किसी पार्टी का नहीं होता, और जो कोई भी हमारे ऊपर ये इल्जाम ना लगाए कि हम किसी पार्टी के पक्ष में हैं या किसी पार्टी के हम विरोध में हैं। उसमें क्या है कि जो कंप्यूटर प्रोफेशनल संघ है इसमें जो रेगुलर जो सर्विसेज दे रहे हैं, जैसे लैंड रजिस्ट्रेशन हो गया, म्यूटेशन हो गया, नकल फर्द हो गया, जो रुकने वाले काम नहीं है, लेकिन सरकार की सोच जो रही है वो ये है कि जिस कर्मचारी ने अपने जिंदगी का जो गोल्डन एरा है वो इस सरकार को दे दिया, जहाँ इस जॉब में दे दिया, उसके बाद वो कर्मचारी 50 की एज पार करने को है, उसके बाद वो क्या करते हैं कि इनकी सोच, सरकार की सोच ये है कि आप इन कर्मचारियों को निकालकर इनके को फेवर का कोई बंदा आ गया जहाँ आउटसोर्स पॉलिसी पे है उनको वहाँ पे लाना चाहते हैं, चाहे वो हम सरकार के थ्रू लगे हों, जहाँ लोकल डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू लगे हों, जहाँ आउटसोर्सिंग पॉलिसी के थ्रू लगे हों, उसमें शोषण किसका हो रहा है? कच्चे कर्मचारी का हो रहा है। अगर कच्चे कर्मचारी बार बार, जहाँ हम बार बार कंप्यूटर प्रोफेशनल संघ अपनी इस बात को उठा रहा है, कितनी बार ज्ञापन देने के बावजूद भी अगर वो हमारी मांगों को नहीं सुन रहे, तो इसका मीनिंग है कि उनको जब फिर मजबूरी में ये हड़ताल का रास्ता अख्तियार करना पड़ा। मजबूरी में हड़ताल का रास्ता अख्तियार करना पड़ा है आप लोगों को। विजय सिंह जी, अभी फिलहाल क्या लगता है, एक बार बैठक के लिए बुलाया गया, क्या सहमति बन पाएगी? पीछे हमारी 19 तारीख को माननीय ओएसडी साहब से बातचीत हुई थी, पीएसयूसीएम से, कुलर साहब से, वहां पे 2 बातों में सहमति बनी है जी, समान काम समान वेतन, और जो हमारे 7 तारीख को मुकदमे हमारे ऊपर जबरदस्ती थोपे गए थे उसको लेकर के। लेकिन हमारी जो मुख्य मांग है, वो मुख्य मांग ज्योति जी ये है भी, जो कंप्यूटर प्रोफेशनल पूरा हरियाणा का DITS आउटसोर्स के माध्यम से राजस्व विभाग के अंदर कार्यरत है, 20-20 साल हो चुके हैं जी, हम ये चाहते हैं इन सभी को वहां पे मर्ज कर दिया जाए, और जो स्थायी प्रवृत्ति के काम है वहां पे पहले लेटर भी आया हुआ है, अगर एक जगह पे एक कर्मचारी को
काम करते हुए 5 साल हो गए, उसकी वो पोस्ट सेंक्शन मानी जाएगी। लेकिन हम 2000-2001 से काम कर रहे हैं कंटिन्यू, लेकिन आज तक हमारी पोस्ट सेंक्शन नहीं है। हम सरकार से पूछना चाहते हैं, हमारे यहाँ कांग्रेस के प्रवक्ता बैठे हैं, उनसे भी पूछना चाहते हैं। 2001 के अंदर दो टर्म कांग्रेस की गई है, किसी भी टर्म में कांग्रेस ने ये नहीं सोचा जो DITS के माध्यम से लगे हुए हैं इनको राजस्व विभाग में सम्मिलित किया जाए और इनको रेगुलर किया जाए। कांग्रेस के समय ये नहीं, इनेलो को काउंट नहीं करेंगे फिर। 5 साल का टेन्योर होता है ना, तब तक 5 साल नहीं हुए थे, हमारी सरकार जा चुकी। हमने 5 साल के बाद ही आप लोगों ने मांगे उठानी शुरू की। नहीं, हमने पॉलिसी के अंदर फ्रेम वो हमने 2014 में 17 दिन की अनिश्चितकालीन हड़ताल यहीं की थी अपनी इसी मांगों को लेकर। लेकिन उसके बाद कांग्रेस सत्ता से चली गई और उसके बाद भी हम आंदोलनरत हैं। ठीक है, 5 साल की जो पॉलिसी बनी थी, यानी कि इनेलो जो सरकार थी वो शुरुआती तौर पर उस वक्त तक आप लोगों को कोई परेशानी नहीं थी विजय सिंह जी, कांग्रेस सरकार के वक्त आप लोगों ने मांग उठाई। हाँ बिल्कुल, और हमारे मैं आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूँ, जो 2014 के अंदर जो हमारी मांगों को लेकर के हम प्रयासरत थे, वहां पे ये आपको दिखाना चाहूंगा, नीचे से जीन जिले से उपायुक्त महोदय ने हमारी रेगुलराइजेशन की सिफारिश भेजी थी सिरसा से। 11 जिले हैं ऐसे, हमारे 11 जिले टोटल जो माननीय उपायुक्त महोदय ने हमारी बातें रखी हैं, उनको कहा है सरकार को अब भी इन जो ये कर्मचारी लगे हुए हैं इनको आप रेगुलर कीजिए, इनके बिना काम चलने वाला नहीं है। लेकिन उस टाइम पे कांग्रेस सरकार ने जब पॉलिसी बनाई थी 3 साल की और 10 साल की, हमारे को छोड़ दिया गया, हमारे को रेगुलर नहीं किया गया। ठीक है ढिंगरा साहब, आपने दम भरा अभी कि हमने पॉलिसी बनाई, अभी सुन लिया आपने। देखिए मैं बता रहा हूँ आपको, ये कुछ लोग जो 2001 में लगे, कुछ लोग 2004 में लगे, कुछ लोग 2008 में लगे, कुछ लोग 2010 में लगे, ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस है। मैं आपको यही बात कहना चाह रहा हूँ कि हमने एक पॉलिसी बनाई थी जिसके अंदर हमने कई लोगों को पक्का किया। आपको ये बता दूं, INLD के टाइम पे कोई पॉलिसी नहीं थी पक्का करने की, ये हमने पॉलिसी बनाई थी और जिसमें हमने एक्साइज वाले लोग, कुछ दूसरे डिपार्टमेंटों के लोग जो पक्के किए थे हमने। और ये अभी प्रवीण अत्रे जी ने कहा कि हमने पॉलिसी बनाई थी, मेरे को उस डेट का जिक्र कर दे। मैं ये कह रहा हूँ कि वो पॉलिसी हमने तैयार की थी जिसके अंदर हमने कॉन्ट्रेक्चुअल्स को रेगुलेट करने का काम किया था। आज वो पॉलिसी निरस्त कर दी जो बीजेपी गवर्नमेंट ने, वो निरस्त की है वही पॉलिसी जो ऑनगोइंग प्रोसेस में अगर उसको चालू रखते तो यही लोग जो है वो परमानेंट हो जाते। आपको ये भी बताना चाह रहा हूँ कि जो जब लोग धरने में बैठे हुए थे को पक्का कर दिया गया। अभी विजय सिंह को सुना आपने, ये विजय सिंह जी, विजय सिंह जी देखिए, विजय सिंह जी का क्या इशू है वो मुझे नहीं मालूम, मैं आपको इंडिविजुअल इशू नहीं बता सकता। मैंने आपको ये बताया कि जो हमने पॉलिसी बनाई थी हमारे टाइम पे, पॉलिसी अलग अलग भाइयों को क्यों नहीं पक्का कर दिया आपने 10 साल। प्रवीण अत्रे जी, प्रवीण अत्रे जी आपके देखिए ये कोई पॉलिटिक्स सरकार अगर मांगे नहीं मांगती तो कांग्रेस भी साथ खड़ी है। लेकिन विजय सिंह जी पैनल पर अगर ये कहे कि कांग्रेस ने भी बात नहीं मानी थी तो आप कहते हैं कि राजनीति की जा रही है, फिर आप कहिए ना कि आप भी राजनीति कर रहे हैं इसी विषय। बिल्कुल कर रहे हैं लोग राजनीति। सुनिए,
मैं वही कह रहा हूं कि हमने कंट्रेक्चुअल्स भी लगाए, हमने नियमित भर्ती भी इतने मात्रा में की। मैं आपको यह कहना चाहता हूं, हमने किसी आदमी की नौकरी ली नहीं है, दी है। अगर उनको पक्का करने की, एक मिनट आप, एक मिनट मेरी बात का जवाब सुन नहीं रहे। हमने जो जितनी पॉलिसी बनाई थी जिनको लगाने की, ये तो है नहीं कि रातों रात सारे पक्के हो जाएंगे। हमने जो पॉलिसी बनाई है, हड़ताल की जानी कितना सही है, राजस्व पर कितना नुकसान है और क्या सहमति बन सकती है बैठक के दौरान, इसको लेकर चर्चा हम कर रहे हैं। हालांकि कांग्रेस के कार्यकाल के दौरान क्या कुछ किया गया, ये भी एक फैक्टर निकलकर सामने आया था ब्रेक से पहले। एक बार फिर से चर्चा को शुरू करेंगे। जादून साहब, क्या लगता है इस पूरे ही मामले को लेकर, कांग्रेस के कार्यकाल में भी हड़तालें की गई थी, एक बार फिर से हड़तालें की जा रही है, करीब करीब 15 करोड़ का हरियाणा को नुकसान हो चुका है। देखिए, सरकारों कोई किसी की भी रही, हड़तालें तो चलती रही है। और ये जो कॉन्ट्रैक्ट पर लगाए जाने वाले कर्मचारी या किसी कंपनी के थ्रू सेवाएं ली जा रही हैं और उनके कंपनी के थ्रू कर्मचारी आते हैं, तो वो भी कम से कम फिर कुछ समय के बाद अपना सरकार से रोजगार की उम्मीद करते हैं। कई कंपनियों के थ्रू सरकार जो काम लेती है, जैसे कंप्यूटर, वो जो लैब असिस्टेंट वगैरह जो अभी लिए गए थे कंपनियों के थ्रू, उनको सैलरी ठेकेदार वेतन नहीं दे रहे थे, तो वो सरकार के खिलाफ खड़े हो गए, वो सरकार से मांग करने पहुंच गए। तो इस मामले में कोई ठोस नीति, एक स्थायी नीति किसी भी एक सरकार की या गवर्नमेंट का जो एक सिस्टम होना चाहिए, वो कोई सिस्टम डेवलप नहीं हो पाया। कोई सरकार, किसी सरकार ने नीति बना ली और स्थायी कर दिया, किसी ने कहा कि हम कॉन्ट्रैक्ट पर नहीं रखेंगे और बाद में उसको ब्रेक कर दिया उसी पॉलिसी को। जैसे अभी बीजेपी सरकार ने ये कहा था कि हम जो है कॉन्ट्रैक्ट पर नहीं रखेंगे, जो नियमित भर्तियां ही करेंगे, लेकिन वो भी कॉन्ट्रैक्ट पर रख रहे। तो ये इस पर फिर वो अदालतों में मामला चला जाता है। कोई स्थायी एक सिस्टम बनना चाहिए। आखिर में ये सोचना चाहिए कि मानव संसाधन है, ह्यूमन रिसोर्सेज को हम जहाँ यूज करते हैं, चाहे वो किसी के मार्फत आया, लेकिन आया तो सरकार के काम में है। वो सरकार तो ऐसे हो रही है जैसे कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो गई हो। सरकार की तो हर पहलू पर जिम्मेदारी है। अगर वो किसी ठेकेदार के थ्रू आते हैं कर्मचारी, और ठेकेदार अगर उसको वायलेट करता है रूल्स को, लेबर लॉज को, तो समझना पड़ेगा ना आखिर लेबर लॉज क्या है। उसमें भी स्किल्ड, अनस्किल्ड और एक्सपर्ट तमाम तरह की कैटेगरीज हैं, उसके हिसाब से उनको एक नीति के अनुसार एक समय पर उनको नियमित किया जाना चाहिए। आज जो हड़तालें दिखाई दे रही हैं, इनके परिणाम पिछली सरकारों के टाइम से ही चले आ रहे हैं। पूरी तरह से इस सरकार को हम जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते, लेकिन इन सरकार की जिम्मेदारी थी कि अगर ये बड़े बड़े वादे करके आई थी
तो इसको सारे जो मामले चले आ रहे थे, जो पिछले पाप थे उनको धोने का काम तो इनको करना ही था, तो ये क्यों नहीं कर रही? ये अभी देखिए कहीं होमगार्ड सड़कों पर दिखाई देते हैं, कहीं कंप्यूटर प्रोफेशनल्स दिखाई देते हैं, कहीं गैस टीचर्स दिखाई देते हैं, कहीं आंगनवाड़ी वर्कर्स दिखाई देते हैं। तो आखिर में सरकार ये कहती है कि हमने बड़ा काम किया और हमने बहुत सुधार के काम किए, तो ये महत्वपूर्ण सुधार क्यों नहीं किया? सड़कों पर क्यों है ये लोग, सड़कों पर क्यों है? बहुत बड़ा सवाल सरकार के सामने खड़ा हुआ है। जगमोहन जी, अभी तक सरकार का पक्ष क्या है आपकी मांगों को लेकर? मैम, पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि अपने ब्रेक से पहले काफी गर्मो गर्म बहस हो गई है। मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि जो अपनी जो डिबेट है ये इसको एक हेल्दी डिस्कशन की तरह लें, इसको अपने डिबेट की जो मर्यादा है उसको बनाए रखें। देखिए, ये जो बहस है अब एक राजनीति का रंग लेती जा रही है। हम चाहते हैं कि ये राजनीति का रंग ना ले, ये एक सोल्यूशन इसका यहाँ पे निकले। कांग्रेस देखिए, ये बात तो होगी कि कांग्रेस के कार्यकाल के दौरान क्या हो सकता था, क्या हुआ, अभी तक साढ़े तीन साल के दौरान बीजेपी सरकार ने क्या किया, अभी सरकार का क्या स्टैंड है, इसे राजनीतिक कहिए या फिर नहीं, लेकिन ये सच्चाई है, बताइए। अब देखिए, जो कंप्यूटर टीचर हैं, जो अगर सरकार देखिए, जो कंप्यूटर टीचर ने थोड़ा टाइम पहले संघर्ष किया था, जब उनको आउटसोर्स पॉलिसी से खत्म करके वो किसी पॉलिसी के अंडर लेके आ रहे हैं, तो कंप्यूटर प्रोफेशनल को क्यों नहीं कर रहे? इसके अलावा अगर रेवेन्यू की बात की जाए तो देखिए, अकेला सिरसा डिस्ट्रिक्ट ऐसा है जो पर एनम क्या है 6 से 7 करोड़ रुपए जो है सर्विस चार्ज के कलेक्ट करके दे रहा है। ये छोटी अमाउंट नहीं है, 6 से 7 करोड़ रुपए आप सिरसा डिस्ट्रिक्ट के जो एडमिनिस्ट्रेशन है उससे मंगवा सकते हो, और जो सर्विस जो उनके सैलरी दे रहा है वो 1.5 से 2 करोड़, मैं अभी बात कर रहा हूँ सिर्फ सिरसा डिस्ट्रिक्ट की। देखिए इनको कितने पैसे बच रहे हैं वहां से, अगर वो इनका इंटरेस्ट ही लगा ले तो उनके सैलरी तो वैसे ही निकल जाएगी, लेकिन सरकार क्या है किस चीज से भाग रही है। मैं अब कांग्रेस जहां इनल्डर्स पूछना चाहता हूं कि अब ये यहां पर बहुत बातें कर रहे हैं, मैं इनसे सिंपल पंजाबी में जो कहावत है 100 हाथ रस्सा ते सिरे ते गंढ, अगर इनकी सरकार आती है तो क्या ये इनकी सरकार रहने पर क्या ये हमारे जो कंप्यूटर प्रोफेशनल संघ है उनको पक्का करेंगे? जहां रामविलास शर्मा की जो अभी अपने सोशल मीडिया पे चल रही थी एक बात कि मेरी जो जुबान है कि वही मेरी नोटिफिकेशन है कि जब उसके ऊपर ये इम्प्लीमेंट करेंगे क्या करेंगे, मुझे इनसे क्लियर चाहिए, मुझे इनसे कोई डिबेट नहीं चाहिए, जहां इसके ऊपर कोई राजनीति रंग नहीं चाहिए, सीधा सीधा स्पष्ट जवाब चाहिए इनसे। देखिए, पहली बात तो ये है कि बात निकलेगी तो दूर तक जाएगी, आप उसको रोक नहीं सकते। दूसरी बात, साहब ने शायद मेरी जब मैंने डिबेट शुरू की थी उन्होंने मेरी बात ध्यान से सुनी नहीं थी। मैंने उस वक्त बड़ा स्पष्ट कहा था कि हमने कहा था कि हम कच्चे कर्मचारियों को पक्का करेंगे, और जैसी हमारी सरकार आई थी हमने पिछले सरकार के लगाए हुए कच्चे कर्मचारियों को भी पक्का किया था। और ये बात ये समझ लें कि इंडियन नेशनल लोकदल जो है बड़ा क्लियर है, हमने तो उस वक्त भी कहा हमारा वायदा है कि हम पक्की भर्तियां करेंगे, पहली चीज, क्योंकि जब आप कच्चे कर्मचारियों की आइडियोलॉजी जो है उसको एक्सेप्ट नहीं करते तो स्वाभाविक है कि उसको बेहतर यह है कि उनको एक परमानेंट जॉब दी जाए। लेकिन एक मैं आपको और चाहिए एक एग्जांपल देता हूँ, हालांकि ढींगरा साहब थोड़े नाराज हो गए थे, कई बार हो भी जाता है क्योंकि आदमी के पास जब जवाब नहीं होता नाराजगी सवाल क्यों जवाब नहीं है। एजुसेट जो है कांग्रेस के टेन्योर में स्कूल में कंप्यूटर शिक्षा के लिए एक एजुसेट प्रणाली आई थी, रिकॉर्ड है 400 करोड़ रुपए प्रदेश की जनता का बर्बाद हुआ, वो कंप्यूटर्स डमी हो गए, कंप्यूटर डैमेज हो गए, बिजली कनेक्शन नहीं थे, इंटरनेट नहीं थे, और वो जो कंप्यूटर लैब असिस्टेंट है वो कहाँ बैठे थे, धरने पे। इन चीजों को एक्सेप्ट करना पड़ेगा ढींगरा जी, ये कह के काम नहीं चला सकते कि हम 10 साल में रहे हमने पॉलिसी लाई लेकिन इन बच्चारों को पक्का नहीं किया, और ये कह जी हमने तो बहुतों को किया, आज वो बैठे इसलिए है कि आपने उनको पक्का नहीं किया, वो मजबूरी है, वो अपनी डिमांड के साथ सामने आ गए। आप केवल अपनी स्किन बचाने के लिए किसी के ऊपर राजनीति करने का आरोप लगा दो ये भी ठीक नहीं है, क्योंकि उनकी समस्या है और वो अपनी समस्याओं को लेकर सरकार के सामने आए। वर्तमान सरकार का आज ये कर्तव्य बनता है कि इनकी मांगों पर गौर करें, और इनकी मांगे जो है अगर सरकार लगता, देखिए इंपॉर्टेंट चीज है कि ये ज्ञापन लेके जाते हैं प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब से मिलते हैं, सेक्रेटरी साहब इनकी बातों को मानते हैं कि दो बातों पे हम आपको एग्री कर रहे हैं, लेकिन जो बाकी इनकी डिमांड्स है उसके ऊपर डिस्कशन कौन करेगा? सरकार को ही करना पड़ेगा, और सरकार को संजीदगी से करना पड़ेगा, और इनकी मांगों को मानना चाहिए, सरकार के लिए काम कर रहे हैं। वक्फा चाहे कितना भी हो गया, उनको 5 साल हो गए, 10 साल हो गए, 15 साल हो गए, बता रहे हैं कुछ लोग ऐसे हैं जो 15 साल से पुराने। तो इस तरह के हालात जब किसी कर्मचारी के साथ हो तो उस कर्मचारी के लिए सरकार को ही कदम उठाने पड़ेंगे, क्योंकि वो सरकार के लिए काम कर रहे हैं। सरकार केवल ये कह के अपनी स्किन सेव नहीं कर सकती कि पुरानी सरकार के टेन्योर में लगे, कांग्रेस इनको पहले ऐसे साफ स्किन सेव नहीं कर सकती। पहले आपने इनेलो का जिक्र किया कि इनेलो से तार जुड़ते हैं, इनेलो के हैं ये लोग, अगर इस तरह की बात करते हैं, देखिए सरकार ने क्या किया सर इन लोगों के लिए जो कि पैनल पर है, जो कि लोग पंचकुला में है, सड़कों पर है, जो कि हड़ताल कर रहे हैं अनिश्चितकालीन, क्यों आपसे ये सवाल ना पूछा जाए?
देखिए ज्योति, आप सवाल मेरे से पूछे, मैं सवाल का जवाब देने के लिए आया हूं, लेकिन मैं एक बात कहूंगा, आप अत्रे जी बीच में ना बोले, मैं वो बात बोलना चाहता हूं। जिस समय इनकी सरकार थी 3206 टीचर के साथ इतनी गड़बड़ की कि आज 10 साल के लिए मुख्यमंत्री जेल में है इनके, और उसके बाद आपको यह बताना चाहता हूं, इस तरह से अगर पॉलिसियां बनाते ये, इस तरह से हम पॉलिसी नहीं बनाते कि हम 10 साल के लिए जेल में जाएं। हमने ये काम किया, हमने लोग लगाए, निकाला कोई नहीं। और आपको यह भी बताऊं, हमने पक्के भी कर्मचारी इतने भर्ती किए जितने कोई कर नहीं सकता, ना एनएलओ ने किए ना बीजेपी ने किए, और जो हमने दूसरे लगाए कंट्रेक्चुअल भी लगाए वो भी हमने इतने लगाए कि कोई पूरे नहीं कर सकता। जो हमने पॉलिसी बनाई सरकार ने 10 साल के दौरान क्या किया, मैं वही बता रहा हूँ ना, बहुत सरल सवाल, मैं वही बता रहा हूँ कि 10 साल के दौरान हमने 75,000 एसएस बोर्ड के कर्मचारी पक्के लगाए, उसके बाद हमने यूनिवर्सिटियों के, उसके बाद हमने दूसरे डिपार्टमेंट्स के, उसके बाद हमने कंट्रेक्चुअल भी कम से कम 50,000 से ऊपर हमने कंट्रेक्चुअल्स भी लगाए। लेकिन मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं, उनको पक्का करने के लिए हमने पॉलिसी भी तैयार की, उसके बीच में हमने कुछ लोग जो है लगाए। लेकिन आपको बताऊं कि जो आप डिपार्टमेंटल वाइज अगर आप हम बात करें तो ये हो सकता है कि विजय सिंह जी उसमें रह गए हो, मैं कोई इनके खिलाफ नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि जितने आदमी हमने लगाने का काम किया उसके बाद हमारी सरकार बदल गई। उसके बाद सुन लीजिए ज्योति जी, उसके बाद हमारी सरकार बदल गई, जो नई बीजेपी की सरकार आई उसने उस पॉलिसी को निरस्त कर दिया, जिससे वो लोग सारे जहाँ तक मैं बता रही हूँ ज्योति जी, आपको आप ये देख रहे हैं ऐसे चर्चा नहीं हो पाएगी, एक एक करके बोलेंगे, एक एक करके बोलेंगे। विजय सिंह जी नहीं सर, केवल डिग्रा साहब ऐसे ऐसे नहीं बोलेगा, नहीं आप अपनी बारी में बोलेंगे, आप अपनी बारी में ही बोलेंगे, नहीं ऐसे नहीं चलेगा। चर्चा को बिल्कुल चर्चा की तरह करें, विषय पर वैसे आप लोगों से वो भी कच्चे कर्मचारी है। हम ये नहीं चाहते हम किसी राजनीतिक पार्टी के अंदर घुसे, हमारा कोई मंशा नहीं है। हम ये चाहते हैं कि भी हमने 2014 के अंदर भी 14 दिन की हड़ताल की और आज भी हम सड़कों पे हैं, क्या हम कितने साल तक और सड़कों पे रहेंगे? क्या आप लोग चुनाव को करीब देखकर सरकारों पर दबाव बनाने की कोशिशें करते हैं? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। हम शुरू से ही हमारी जो मांग थी उसको लेकर के 2010 से हम संघर्षरत है। आज 8 साल हो गए, कंप्यूटर प्रोफेशनल 2010 से 2018 तक सड़कों पे है, लेकिन आज तक समाधान नहीं हुआ। और हम ये चाहते हैं भाई, पॉलिसी बनाई कांग्रेस ने, सरकार ने पॉलिसी बनाई, बात पूरी सुनेंगे, बिल्कुल सरकार ने पॉलिसी बनाई, अगर पॉलिसी बढ़िया तरीके की बनती तो हम लोग उसमें इंक्लूड होते, लेकिन हम लोग कहा क्या किया, नहीं बहुत सारे लोग उसमें रेगुलर हुए, मानते इस बात को, मानते रेगुलर हुए, लेकिन कंप्यूटर प्रोफेशनल रह गया, हमारी क्या कमी है? ठीक है, पूछना चाहते हैं, एक तो हमारी ये मांग है कि जो डीआईटीएस जो सोसाइटी है, जो उपायुक्त महोदय के माध्यम से लगे हुए हैं,
उनको राजस्व विभाग में समायोजित किया जाए और जो रिवेन्यू हम जो करोड़ों का कमा के दे रहे हैं वो डिस्ट्रिक्ट वाइज रह जाता है। हमारी सरकार से मांग है कि वो रिवेन्यू राजस्व में सेंट्रलाइजेशन किया जाए, सेंट्रलाइज किया जाए और उससे हमें वेतनमान दिया जाए। अब सेंट्रलाइजेशन की हमारी मांग क्यों है, क्योंकि आप देखिए जिला पलवल में कंप्यूटर प्रोफेशनल जो लगा हुआ है उसको 8 माह से सैलरी नहीं मिली। आप ये भी दुविधा देखिए कि उनके परिवारों का गुजारा कैसे होता है। तो हमें ये लगता है जब हम करोड़ों रुपए कमा के दे रहे हैं और हालात ऐसे हो गए कि हमें ही वेतनमान नहीं मिल रहा, तो हमारी ये मांग जायज है कि जो ये नीचे जो जिलों में करोड़ों रुपया सर्विस चार्ज का दे रहे हैं उसका सेंट्रलाइजेशन सरकार को करना चाहिए और उसमें सरकार को भी राजस्व का फायदा होगा। ये कोई वित्त विभाग पे या कोई सरकार पे कोई बोझ नहीं है कि अगर हमें सैलरी दी जाती है तो कहीं बोझ पड़ेगा। वो हम अपनी सैलरी से ज्यादा सरकार को कमा के दे रहे हैं, लेकिन हमारी यही मांग है कि जो जिलों पे जहां उसका कोई यूज नहीं हो रहा उस पैसों का, वो वेस्ट कामों में प्रयोग होता है, हमारी यही मांग है कि उसको सरकार अपने अधीन करे। इनकी सरकार को इनकी मांगों को संजीदगी से लेना चाहिए। दूसरी हमारी ये मांग है, अगर सरकार मैं एक एक, एक वाक्य अभी हुआ मैं एक वाक्य अभी अभी मैं अभी मैं महेंद्रगढ़ का एक वाक्य आपको बताना चाहता हूँ कि अभी महेंद्रगढ़ में पिछले 20 दिनों के अंदर ऊपर से ये कहा गया कि तहसीलों में भ्रष्टाचार है और उस भ्रष्टाचार के नाम पे एक वीसी होती है और वीसी में ये आदेश दिए जाते हैं कि आपकी तहसील में भ्रष्टाचार है और 1.5% लिया जाता है। उस 1.5% के नाम पे जब उपायुक्त महोदय कार्रवाई करती है तो उसमें टारगेट कंप्यूटर ऑपरेटर को बना दिया जाता है, उसकी नौकरी हटा दी जाती है। अब ये सबको पता है कि 1.5% जो 10 रुपए का टोकन काटने वाला ऑपरेटर 1.5 लाख रुपए कैसे ले सकता है। जब हम उपायुक्त महोदय के पास गए और हमने ये पूछा कि भी आपने जो इंक्वायरी कराई उसमें इसका नाम आया, उपायुक्त महोदय ने स्पष्ट मना कर दिया कि इसका नाम नहीं है, ये शामिल नहीं है इंक्वायरी में। हमने कहा कि शिकायतकर्ता कहीं हो तो आप बताएं, तो उपायुक्त महोदय ने कहा कि ये शिकायतकर्ता भी कोई नहीं है। हमने कहा कि फिर ये इसको आपने एक्शन क्यों लिया, ये कहा कि उन्होंने भी ये हमारे पास सरकार के ऊपर से दबाव था। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि भ्रष्टाचार के नाम पर सरकार निर्दोष कर्मचारियों को क्यों हटा रही है। अब वो कंप्यूटर प्रोफेशनल पिछले 11 सालों से लगा हुआ था और उसको एक ही दम में भ्रष्टाचार के नाम पे उसको हटा दिया, तो मैं ये पूछना चाहता हूँ सरकार से कि वो जांच कहाँ गई, वो पारदर्शिता कहाँ गई। जहाँ पर बिना जांच के और हालांकि जिस तरह से गाज गिराई जाती है, छोटे कर्मचारी हैं जो कि कच्चे कर्मचारी हैं उनको हटा दिया जाता है, अभी लोग हड़ताल में है, इनकी एक मांग ये भी शामिल है कि उनको वापस लिया जाए जिनको हटाया गया था। अगर देखा जाए कि हटाने का कारण क्या है उसकी कोई जांच होनी चाहिए, प्रॉपर जांच होनी चाहिए अधिकारी स्तर पर, उसमें जांच में भी पारदर्शिता होनी चाहिए कि सिस्टम कोई बनाया गया, कोई कंप्लेनेंट भी अगर सामने है और शिकायत का कोई कारण या जांच का कोई कारण अगर है तो वो भी कम से कम रिकॉर्ड पर आना चाहिए, इसके बाद ही कोई कार्रवाई हो, किसी को निकालने की कार्रवाई हो। 11 साल जो लोग सर्विस में हैं उनका तो मैं समझता हूं कि अगर ये लोग हाई कोर्ट में जाएंगे तो कोर्ट भी इनके फेवर में ही जाएगा, क्योंकि नेचुरल जस्टिस भी अपना काम करता है और जिन्होंने इतना लंबा समय सरकार की सेवा में खर्च कर दिया है तो वो बड़े हकदार हैं। वो फिर ये तो सरकार ने अगर उस समय जिनको नियुक्ति दी उस समय देखा जाना चाहिए था कि वो इनकी क्या उपयोगिता है, आज उनकी उपयोगिता पर कोई सवाल अगर है तो ये पहले देखा जाना चाहिए था, और अगर उपयोगिता सिद्ध हो रही है वो यूजफुल साबित हो रहे हैं तो सरकार को उनको स्थायी करने में दिक्कत क्या है। अगर कहीं नॉर्म्स की अवहेलना हुई है तो वो तो पहले देखा जाना चाहिए था। जगमोहन जी, स्थायी पॉलिसी होती है, कभी आश्वासन मिला आप लोगों को सरकार की ओर से? देखिए इस बात की जो मैं आपको बता दूं कि इस सरकार की मुझे इंटेंशन पर ही डाउट है। ये सरकार ना तो कच्चे कर्मचारियों को पक्का करना चाहती है और ना ही इनके लिए कुछ करना चाहती है। अभी 19 तारीख को हमारी जब बातचीत चल रही थी तो 20 तारीख को एक नोटिस निकलता है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कि जो कर्मचारी वहां पे गए हुए हैं उनको टर्मिनेट कर दिया जाए। किस लिए टर्मिनेट कर दिया जाए, जब हमने आपको 8 तारीख को पहले नोटिस दिया है कि हम अगर हमारी मांगे पूरी नहीं होती तो हम 15 तारीख को स्ट्राइक पे चले जाएंगे। आप 8 से 15 तारीख के बीच 7 दिन में क्या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन सो रहा था, वो क्या कुछ इंतजाम नहीं कर सकता था। जब हमने उनको बताया कि हम 15 तारीख को स्ट्राइक पे जाएंगे तो क्या सरकार उस समय सो रही थी? उसके बावजूद जब खुल्लर साहब से हमारी बातचीत हुई है 19 तारीख को और उसके बावजूद जो हमारे जो कर्मचारी हैं उनको टर्मिनेशन का डर दिखाकर और जहां उनको किसी भी तरीके से भयभीत करके उसको हटा रही है जहां उसको वापस ला रही है, तो एक तरीके का जो भय का माहौल बना रही है जो सरकार। तो मुझे तो इस बात की बहुत दुख है कि जो सरकार इतने वादे करके आई
और उसके बाद उस बात पे मुकर रही है। जब हम इस बात करते हैं इनके ऊपर तो ये कहते थे उस सरकार ने किया था, उस सरकार ने किया था। हम इस बात का नहीं, मैं इस बात को ये भी कहना चाहता हूँ, हम ये नहीं कह सकते कि अगर आज किसी ने कुछ काम किया था उसका जो एलिगेशन है वो पिछली सरकारों पर लगा दिया जाए। पंडित जवाहरलाल नेहरू ये काम किया था, आज ये काम हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी ऐसे ही काम कर रही है, ये अपनी बातों पे खरा नहीं उतर रही है। केवल ढिंगरा जी, जब अल्टीमेटम दिया जाता है या चेतावनी दी जाती है तो डिसमिस किए जाने की चेतावनी इन लोगों को दी जाती है। मतलब देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर्मचारी फेलियर सरकार है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, ये मैं निकाल लिया इसका, 29 जुलाई 2011 को हमने नोटिफिकेशन की थी कि जो 2006 से बाद जो इंप्लाइज हैं उसको ये पॉलिसी कॉपी है। मैं बताता हूँ जो ये पॉलिसी है, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, एक सेकंड, ये रेगुलेशन एक पॉलिसी मेरे अभी मैंने नेट पे निकाली है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। आप अपनी, उसके बाद में मैं अलग से आपके वाला बता दूंगा। ये जो ये वाली है, मैं इसकी बात कर रहा हूँ कि ये 29 जुलाई 2011 को ये पॉलिसी है जिसमें हमने इंप्लॉइज को पक्का करने के लिए ये रेगुलेशन की पॉलिसी निकाली है मैंने। इसके ऊपर ये है कि जो 2006 के बाद जिसका 10 साल कंप्लीट हो जाएंगे उसको रेगुलर कर दिया जाएगा। ये 2010 से लेके 6 से लेके 10 साल मीन 2016। अब ये देखिए कि ये आते ही बीजेपी गवर्नमेंट ने उस पॉलिसी को निरस्त करने का काम किया जिससे वो लोग पक्के नहीं हो पाए। आपको ये बताऊं, जो जिस पॉलिसी के जो 2006 से पहले लगे हुए थे वो एक्साइज कर्मचारी थे, कुछ और थे, कई और डिपार्टमेंट के, जिनके 10 साल पूरे हो गए थे, वो पक्के भी हो गए थे। मैं आपको ये भी बताना चाह रहा हूं, ये अलग अलग सिस्टम है। मेरे पास पूरे अभी पेपर नहीं लाया हुआ हूं, लेकिन मैं आपको ये चीज बता दूंगा कि हमारे टाइम पे जो पॉलिसी बनी थी उसमें हमने पक्का करने का काम किया था। नहीं, ये जो पॉलिसी है ये सर को डाउट है, मैं बताता हूँ इस पॉलिसी का क्या है। जो 2011 में ये 2006 वाली पॉलिसी लेके आए उसमें ये है कि जिसको 2006 में 10 साल हुए, मतलब 2006 को जिसको 10 साल हुए, अब आप ये लगा सकते हो कि 2006 को 10 साल तो आज के कितने साल काउंट करेंगे आप, तो इसमें तो एक भी कर्मचारी नहीं आता। ये एक नहीं, अंदर उस समय अगर आपको ये लगता है कि 2011 की पॉलिसी आपकी बेस्ट थी तो आपने फिर ये 2014 में क्यों बनाई 3 साल वाली, आपने 10 साल वाली क्यों बनाई। मैं आपको कह रहा हूँ कि हमने जो पॉलिसी की डेट है मैंने जो निकली है वो निकाल के बता, मैं बता रहा हूँ 2014 में फिर पॉलिसी बनाई हमने, सभी को एडजस्ट करने के लिए पॉलिसी बनाई। सरकार की मंशा इसमें लोगों को लगाने की थी या निकालने की थी, ये बताइए आप हवा सिंह जी मुझे। अगर सीधी सी चीज पक्का करने की थी या निकालने की थी, हवा सिंह जी आप सुनिए, निकालने की थी या पक्का करने की थी, आप सुनिए सरकार ने नुकसान होता था। आप सुनिए, हम ये नहीं कह रहे सरकार ने पॉलिसी नहीं बनाई, हम कह रहे हैं सरकार ने पॉलिसी बनाई। हम ये भी कह रहे हैं हमारा कहने का मतलब ये है सर, आपने पॉलिसियों में हमें क्यों छोड़े, लोगों को नौकरी के लिए आपकी बारी में बोले, आगे भी बोलेगा, अभी सुनिए। पर में पॉलिसी लेके आते हैं जिसमें लास्ट डेट रख देते हैं 2006 की, उसके बाद खुद ब खुद 2014 में पॉलिसी बनाते हैं। रुकिए रुकिए, परेशान मत होइए, ना नहीं हो रहे। ये केवल वही खेल था जिस तरह से आरक्षण के लिए एक नोटिफिकेशन किया था, सेम वही खेल था, वोट की राजनीति। अच्छा, कुछ नहीं था, वरना अगर इनकी नीयत सही होती, इनकी नीयत सही होती तो ये तीन भाई यहाँ बैठ के ये ना कह रहे होते, बड़ा क्लियर। रुक जाइए, मुझे पता है आपका खिलौना टूट चुका है, आपके सबसे महत्वपूर्ण हो गए 400 BC में। आप विषय पर रहिए छिन गया है, आज की जो डिबेट है बिल्कुल विषय पर रहिए। प्रोफेशनल संघ को लेकर के आप
दो चीजें बड़ी स्पष्ट है, ढींगरा जी जो भी बात करे वो खैर सच्चाई प्रदेश की जनता की सुन चुकी है, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज आज ये है कि वर्तमान सरकार अगर कर्मचारियों के हित की सोचती तो ये चीज तो हमने भी देख ली कि आज लगातार कर्मचारी जो है वो मजबूर है हड़ताल करने को, और शायद सरकार की नीयत बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करती है। जैसे अभी बात कर रहे थे साहब कि सरकार की नीयत ठीक नहीं लगती, क्योंकि वो स्पष्ट नजर आता है, अगर सरकार की नीयत सही होती तो क्या हर विभाग का कर्मचारी हड़ताल में बैठता? अभी उन्होंने कहा कि हमने नोट पहले उनको बताया और उसके बाद टाइम दिया, और यही काम अगर आपको याद होगा ज्योति, जब नेशनल हेल्थ मिशन के कर्मचारियों ने इसी तरह से नोटिस दिया था, सरकार जागी नहीं, जब वो हड़ताल पे चले गए तो सरकार की नींद खुली। यही काम जो है जो आंगनवाड़ी वर्कर्स है उनके साथ हुआ, सरकार चाहती यही है कि कर्मचारी हड़ताल पे जाए, इस तरह का माहौल प्रदेश में बना रहे, प्रदेश के अंदर अराजकता का माहौल पैदा करना सरकार की नियत का हिस्सा है, तभी हालात पैदा होते हैं। जादून साहब, बात रखते हैं इस बात से कि हफ्ते 10 दिन तक काम जो है वो बाधित हुआ, व्यवस्था फैले, उसके बाद सरकार आमंत्रित करेगी बैठक के लिए, बातचीत के लिए। कितना ही बात करें कि हम राजनीति से मुक्त हैं, लेकिन ये सारा जो खेल चलता है ना कि कर्मचारी हड़ताल कर रहे हैं, किसी के साथ वो बगैर जांच के किसी को हटाया जा रहा है, ये सब राजनीति का खेल है। पर्दे के पीछे जो राजनीति चलती रहती है ना, वही मजबूर करती है किसी सरकार को कि पहले से बनाई हुई नीति को बदले। ये तमाम फेरबदल करने की क्या जरूरत थी जब वो स्थायी साफ तौर पर कोई काम चल रहा था, किसी नीति के तहत कर्मचारी काम कर रहे थे, तो ये बदलने की तोड़ने मरोड़ने की जरूरत क्यों पड़ती है? ये टिल्ट करने की जरूरत इसलिए पड़ती है कि हर पार्टी ये चाहती है कि तराजू मेरे फेवर में झुक जाए, तो ये झुकाने का प्रयास है। मुझे लग रहा है ये सारी समस्याएं जो है, देखिए सभी पार्टियों को ये बात तो एक्सेप्ट करनी पड़ेगी कि इनसे गलती तो हुई है, चाहे इन्होंने वोट की राजनीति में की है, चाहे कैसे भी एक गलती हुई है, तो क्या इस जो इनकी गलती हुई है, क्या इस गलती कोई भरपाई करेंगे दोनों पार्टियां जो जहां पे बैठी प्रवक्ता, और क्या बीजेपी अगर मेरे ये बात सुन रही है तो क्या जब सुबह 12:30 बजे जो मीटिंग है उसके ऊपर कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स देगी जी हमारा? जगमोहन जी, मैंने तो पहले स्पष्ट कर दिया, समय नहीं आगे चर्चा के लिए, बहुत शुक्रिया, हालांकि लगातार हमने कोशिश की है एक बार संपर्क हो पाए लेकिन संपर्क नहीं हो पाया। मैं कहना चाहूंगा प्रोफेशनल्स को लेकर हमने चर्चा की, फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।